मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई हेवरा इटावा में पिता सुघर सिंह व माँ मूर्ति देवी के घर हुआ था। पिता पहलवान थे, इस कारण से मुलायम सिंह भी बचपन से अपने पिता से पहलवानी के दांव पेच सीखने लगे। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह सैफई से 20 किलोमीटर दूर रायपुर की रहने वाली मालती देवी से हो गया। 1973 में इनके एक पुत्र अखिलेश यादव का जन्म हुआ। के डिग्री कॉलेज इटावा से अंग्रेजी व राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। सिकोवाबाद के AK कॉलेज से BT किया। उसके बाद BR कॉलेज आगरा से MA राजनीति विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी में नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता नियुक्त हुए। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रही। छात्र संघ में पदाधिकारी भी रहे। जसवंतनगर विधानसभा के विधायक चौधरी नत्थू सिंह मुलायम सिंह से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मुलायम सिंह को अपना राजनीतिक सचिव बना लिया। बाद में मुलायम सिंह ने शिक्षक पद से इस्तीफा भी दे दिया और सक्रिय राजनीति में जुड़ गए। 1967 में चौधरी नत्थू सिंह ने अपनी सीट जसवंत नगर मुलायम सिंह को सौंप दी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने मुलायम सिंह को टिकट दी और विजयी हुए। 1968 में लोहिया जी की मृत्यु हुई तो मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह की भारतीय कृषक दल में शामिल हो गए। 1974 में भारतीय किसान दल के टिकट से जसवंत नगर विधानसभा पुनः 1974 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कृषक दल का विलय हो गया। नई पार्टी बनी भारतीय लोकदल। 1975 में आपातकाल में 19 महीने जेल में भी रहे। 1967 में उत्तर प्रदेश में संयुक्त विपक्ष की सरकार बनी। मुलायम सिंह को पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1979 में चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी से अलग होकर के अपने एक नया दल लोकदल बनाया। मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह के साथ हो गए और 1980 में लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, किंतु 1980 में विधानसभा चुनाव हार गए। 1987 में चरण सिंह की मृत्यु हो गई तो लोकदल में 2 गुट हो गए, एक गुट अजीत सिंह के साथ, दूसरा मुलायम सिंह के साथ। 1989 में मुलायम सिंह VP सिंह की पार्टी जनता दल में शामिल हो गए और पहली बार 5 दिसंबर 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। 5 दिसंबर 1993 को दूसरी बार तथा 29 अगस्त 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने।